सो गई जो हमारी पहली नंबर की ट्रिक्स होने वाली है। तो सिंपली आपको इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा एंड उसके बाद सिंपली आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद सिंपली आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर इस कोड को पेस्ट करना होगा एंड इस कोड मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली वहां से आप कॉपी कर पाओगे एंड उसके बाद सिंपली आपको बैक कर देना होगा। तो सिंपली आप जैसे ही बैक करोगे इंडिया का फ्लैग ऐड हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप इसके बाद नाम ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको सेम स्टेप फॉलो करना होगा एंड उसके बाद सिंपली आप जो नाम ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको टाइप करके इस तरह आपको बैक कर देना होगा। तो सिंपली आप देख पाओगे इंडिया का फ्लैग और साथ ही में आपका नेम भी ऐड हो जाएगा। सो गई जो हमारी दूसरी नंबर की ट्रिक्स ट्रेनिंग राउंड में होने वाली है। तो सिंपली आपको क्राफ्ट परचेस करके इस वाले लोकेशन में आ जाना है एंड उसके बाद आपको दो क्राफ्ट इस तरह कुछ आप पोजीशन में लगा देना है एंड उसके बाद सिंपली आप ज़मीन के नीचे आ जाओगे। तो सिंपली यहाँ से आप बैठ के हल्के हल्के आगे की तरफ जाना है एंड उसके बाद सिंपली आप ये दीवार के बाहर आ जाओगे। तो सिंपली आपको यहाँ से रनिंग करना है। तो सिंपली आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो गाइस आप देख पाओगे इस तरह कुछ आपको आगे की तरफ इस तरह आपको जाना होगा। तो सिंपली यहां से आपको रनिंग करते हुए इस वाले लोकेशन में चले आना है एंड उसके बाद सिंपली यहां से आपको स्कारबोर्ड ऑन कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको रन बटन के ऊपर क्लिक करके दो बार आपको जंप करना होगा। तो सिंपली आप ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर हिस्से में आ जाओगे। तो सिंपली यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले पाओगे। सो गाइस अगर आप यहाँ तक देखे हो तो आपको वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आई होगी। तो सिंपली अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कृपया करके लाइक करना ना भूलिए और साथ ही में आप इस ट्रेनिंग ग्राउंड के लोकेशन में भी आ जाओगे। लेकिन यहाँ से आप कोई सा भी एनिमी को किल नहीं कर पाओगे लेकिन हो सकता है कि आपको नीचे से एनिमी आपको देख पाएंगे एंड वो देख के कहेंगे हैकर है। तो सिंपली यहाँ से आप एनिमी को चकमा दे पाओगे। तो गई जो हमारी तीसरी नंबर की ट्रिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक पुश करने में मदद करेगी। तो सिंपली आपको इस वाले टूटे घर के ऊपर आ जाना है एंड उसके बाद सिंपली आपके स्कोप ऑन करके इस तरह आपको चढ़ जाना है। तो सिंपली आप इस खाली जगह पे आ जाओगे। तो सिंपली आपको यहाँ से कोई भी एनिमी नहीं देख सकेगा। तो साथ ही में आप यहाँ से एनिमी को आसानी से किल कर पाओगे और इसमें आपका रैंक पुश काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर जो नाते आते काफ़ी समय लगेगा तब तक आप टॉप फोर में आ जाओगे। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा रैंक पुश कर पाओगे। तो सिंपली आपको कैसे लगी ट्रिक्स हमें कमेंट में बताना एंड जो हमारी चौथी नंबर की काफ़ी ज़्यादा आसान और मज़ेदार बग होने वाली है। तो सिंपली आपको वेपन वाले सेक्शन पर चले जाना होगा एंड सिंपली आपको ग्रेनेड के स्कोप बटन और साथ ही में आपको इंस्पेक्ट बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। तो सिंपली आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने मैजिक आ जाएगा। तो सिंपली आप देख पाओगे अपने आईडी में इस तरह कुछ आपको ग्रेनेड गिरता हुआ नज़र आएगा और उसी तरह अगर आप ग्लोबल में करना चाहोगे सिंपली आप ग्लोबल के स्कोप बटन और साथ ही में स्पेक को एक साथ क्लिक करोगे तो आपके आईडी में ग्लोबल चिपक जाएगा। तो सिंपली अपने दोस्त को दिखा के मज़ा ले पाओगे।